गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दर्शन जोशी। तो अभी मैं खड़ा हूँ धोलावीरा और खावड़ा के बीच में, यहाँ पे जो दोनों साइड पानी है और ये बीच में रोड जाता है, वहीं पे हम खड़े। पीछे दिख रही है मेरी गाड़ी और अभी टाइम हो रहा है 3:30। अभी यहाँ से खावड़ा है करीब 40 किलोमीटर और कालोडूंगर उससे कुछ 10 या 15 किलोमीटर आगे होगा। तो हम जा रहे हैं कालोडूंगर और हम बेसिकली जा रहे हैं 2 दिन के लिए रेस्ट करने। 4:30-5 बजे तक हम पहुँचेंगे कालोडूंगर। तो आज की नाइट और कल की नाइट हम रहेंगे कालोडूंगर पे और फिर परसों सुबह हम निकलेंगे नडाबेट जाने के लिए। तो रूम का कंफर्मेशन हमने अंकल को कांटेक्ट करके ले लिया था और खाने का पीने का सारा कुछ है वहाँ पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और बस अभी मेरे पीछे के नज़ारे आपको दिख रहे होंगे, देखो पूरा पीछे पानी पानी है और पूरा वाइट दिख रहा है पीछे देखो। और ये इस बार मैं आया हूँ हमारी वैगनार लेके, तो ये वैगनार की हालत देख लेना ज़रा साइड से। आगे से तो आपको पता नहीं चल रहा होगा पर साइड से देख लो, गोपाल भाई है। तो ये मेरे साथ आए थे पिछली बार कच्छ में, कच्छ सीरिंग आप देख लेना। ये गाड़ी की हालत देख लो ज़रा, क्योंकि अभी ये पूरा रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये सारी मिट्टी की वजह से कीचड़ हो रखा है, तो कीचड़ की वजह से पूरा रोड स्लिपरी हो रहा है, तो गाड़ी बहुत ही आराम आराम से चलानी पड़ रही है हमें। और यहाँ का नज़ारा देखो दोस्तों, देखो उस साइड भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं, खाली वाइट 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 पूरा दिख रहा है और इस साइड भी पूरा वाइट दिख रहा है। तो यही रन वाइट हो जाता है विंटर सीजन में और पूरा पानी जो है वो सूख जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वाइट वाइट पूरा दिखेगा आपको विंटर सीजन में। तो फिलहाल यहाँ से अभी निकलते हैं और 4:30-5 बजे तक हम पहुँच जाए कालोडूंगर। तो हमको क्या है कि अच्छे से जो रूम चाहिए वो मिल जाए, जो पिछली बार हमने रखी थी वही रूम हम रखेंगे इस बार भी, ऐसा है ठीक है। इस रोड पे अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, रणोत्सव का सीज़न जब भी होता है तभी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। और यहाँ आगे है धोलावीरा, तो इसके वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। धोलावीरा से खावड़ा तक का जो रोड है वो दोनों साइड ऐसा ही है जैसे आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 58 किलोमीटर का, तो 58 किलोमीटर तक आपको ऐसे ही नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। तो भी कुछ ही दूरी पे ये ऐसा रोड हो जाएगा एंड,
और बारिश अभी शुरू हो गई है। अभी है जुलाई का महीना, जुलाई एंड है, मतलब ये रूट पे आप किसी भी टाइम आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब भी रन उत्सव होता है तभी आओ, आप समर में भी आ सकते हो, और समर में गर्मी ज़्यादा होती है। और अभी मानसून के टाइम आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, वैसा ही नज़ारा होता है यहाँ पे अगर बारिश गिरती है तो, नहीं तो अगर बारिश नहीं गिरेगी तो पूरा सूखा ही रहेगा यहाँ पे। और रोड्स तो बहुत ही बढ़िया है, पर अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बाकी रोड्स एकदम बढ़िया है, कोई परेशानी आपको होने नहीं वाली यहाँ पे। अरे आप पेट्रोल डीजल या अगर सीएनजी हो तो सीएनजी फुल करवा के निकलिए, सीएनजी के ऑप्शन में अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल भी आप टैंक फुल करवा के निकलिए। तो यहाँ से सफ़ेद रन है 33 किलोमीटर्स, भूज है 73 और काला डूंगर 17 किलोमीटर्स। तो ये रोड है हावड़ा से कालो डूंगर वाला, तो यहां से हमको राइट में कट लेना है। ये मैग्नेटिक हिल वाला पार्ट आ गया था, जो कि मैंने अपने कच्छ रोड ट्रिप वाली सीरीज में आपको बताया है। जब भी हम कच्छ आए थे पिछली बार विंटर सीजन में रन उत्सव के टाइम, चढ़ाई अभी थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रेट रोड आता है पहले, फिर बाद में ऐसी चढ़ाई आती है। देखो
अभी आ गए कारो डूंगर और हमने यहाँ पे रूम ले लिया है। और देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन और व्यू। पिछली बार जब भी हम आए थे रण उत्सव के टाइम तभी हमने यहाँ कहाँ पे गाड़ी पार्क की थी। और अभी देखो वो रही हमारी गाड़ी, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी। और ये सारे रूम्स थे तो ये 4 नंबर वाला रूम हमने लिया अभी। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। और अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट जो कि है हाईएस्ट पॉइंट इन कच्छ, 458 मीटर्स अबव द रन। बिल्कुल पब्लिक नहीं है, खाली हम लोग 2 ही जन है यात्रियों के दौर पे, और बाकी मंदिर के पंडित जी हैं। और यहाँ कार्यालय जो है उनमें जो मैनेजर बैठते हैं वो अंकल है। अभी बारिश के छींटे गिर रहे थे तो हम लोग पोंचो लाना भूल गए थे, तो वापस हम लोग रूम में गए अभी और पोंचो लेके आए। मेरा मेरे बैग में है और गोपाल भाई का उसके हाथ में है। यहाँ पे सारा मार्केट हुआ करता था रन उत्सव के टाइम, तो अभी फ़िलहाल है नहीं क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है और यहाँ पे इस टाइम पे पब्लिक नहीं आता है। तो अभी सारे बादल आ रखे, कुछ नीचे का दिखेगा नहीं अभी। और ये बारिश के टाइम का नज़ारा है कारो डूंगर का। हमें वहाँ सामने जाना है, वहाँ छपरी बनाई हुई है तो वहाँ बैठ के हम आगे से दाबेली लाए हैं तो दाबेली खाएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे। हाँ थोड़ी देर बैठेंगे और अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे अपने रूम के लिए। तो यहाँ नीचे भी आप मटुली में जा सकते हो पर वो टूटी फूटी है तो हम नहीं जा रहे अभी देखो। और ये रास्ता पूरा उतर के अब आगे जो जंगल वन विभाग का गेट है वहाँ से आप नीचे भी उतर सकते हो। और अभी हम यहाँ बैठ रहे और ये नज़ारे देखते हुए हम दाबेली खाएंगे, यहाँ कच्छ की सबसे फेमस। वो सारा वाइट वाइट दिख रहा है, वो पूरा समुंदर है जो हमने डोलावीरा से खावड़ा वाले रोड पे देखा वही है ये वाला। हम यहाँ पूरे खुले में बैठे हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये रही दाबेली, ये हम फूड पैकेट लाए थे, दाबेली है। और ये गोपाल भैया हवा चल रही है और हम गिने चुने यहाँ पे 8 से 10 लोग ही हैं। मैं दिखा था आपको पीछे, और सारे यहाँ के लोकल्स ही है। तो नाश्ता कर लेते हैं फिर रात को जाएंगे हम खिचड़ी।